हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। सो दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग। तो ये छत का एक एरिया है जो मैंने साफ़ किया है और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ करने वाली हूँ। मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये। मेरे छत का एरिया है जो मैंने खुद कस्टमाइज़ करवा के बनवाया था और ये पूरा गंदा हुआ है। टोटल एरिया को हम साफ़ करने के बाद हमारा काम शुरू करने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। राइट नाउ आई कॉन्ट डू एनी थिंग विद दिस रूफ साइड बिकॉज ये बहुत बड़ा है और इसमें गार्डनिंग करूँ तो मस्त होगा, बट इतने प्लांट्स हमारे पास नहीं है और करना डिफिकल्ट है तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ। अभी कुछ नहीं करूँगी, बट ये जो सेक्शन है इसमें कुछ करूँगी, इसे पेंट करूँगी। स्पेशली पेंट दिस एरिया, इसे कुछ नहीं किया जा सकता, ये यहीं पर रहेगा क्योंकि और जगह नहीं है। सो ये यहाँ पे रहेगा, ये इग्नोर दिस ऑल एंड दिस एरिया आई विल डेकोरेट, आई विल जस्ट पेंट इट एंड सम प्लांट्स रखूँगी यहाँ पे जो देखने में अच्छे हो जाए, और एक छोटा सा मिनी सा मेरा क्या बोलूँ, बैठने का जगह भी होगा, टाइम स्पेंड भी होगा, सब कुछ होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे जो है मैंने एक ब्लू कलर लिया हुआ है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, घर पेंट करने के टाइम पे जो कलर्स बचे हुए थे वो ही है जिन्होंने किया था, बड़े प्यार से इनको रख के गए थे मेरे ही लिए। मैंने बताया था बच जाए तो रखो, मगर इनकी पैकेजिंग भैया, इन्हें खोलने में आधी जिंदगी निकल गई। सो एनीवे लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सो इस वॉल को इस वाइट कलर से, ये बेसिकली क्या बोलते हैं भैया, ये प्राइमर है ओके, तो इससे इसे पेंट करूंगी। आफ्टर देन इस कलर और इस तीनों कलर को लेकर कुछ करूंगी, पता नहीं क्या करूंगी, शायद कोई जियोमेट्रिक टाइम बनाऊं, पर मुझको पता नहीं कि क्या करूंगी। अगर ये अच्छा बनता है तो मैं ज़रूर ज़रूर वीडियो अपलोड करूंगी, बुरा बना तो नहीं करूँगी। सो दिस इज द फिनिश्ड लुक। सो आवर फर्स्ट कोट इज टोटली डन। सो मैंने यहाँ पे एक माउंटेन क्रिएट किया है, तो मेरे पास दो ब्लू के शेड्स थे और एक पीच है, मेरे पास सिर्फ तीन ही कलर्स थे जो और एक्स्ट्रा नहीं है मेरे पास, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या बनाया जाए, तो मैंने ये माउंटेन बनाया है। टोटल थीम इज अबाउट माउंटेन। At first I thought I will make a geometric kind of that ऐसा एक थीम बनाया जाए जो सबको पसंद आए, ठीक है, जो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं लड़कों के लिए भी हो और जिसे सब रिलेट कर पाए ओके। तो दैट इज द बेस्ट आइडिया इज अबाउट नेचर। सो मैं यहाँ पर माउंटेन क्रिएट कर रही हूँ और मेरे पास जो कलर थे वो माउंटेन के लिए ही शायद थे, मेरे को और कोई आइडिया नहीं आ रहा था। कर सकती थी तो बहुत कुछ, लेकिन मुझे लगा कि एक नेचर ही क्रिएट किया जाए, देखते हैं टर्न। सो दिस इज द थर्ड लुक एंड मैंने काफ़ी कलर्स को मिक्स एंड मैच करके ये एक प्राइमरी स्टेज वाला किया है। उसके बाद मैंने एक्रेलिक कलर से टोटल माउंटेन के व्यू को डेकोरेट किया है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। मैं जब पेंटिंग कर रही थी तब मैं शूट नहीं कर पाई, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने ये टोटली पेंट किया है और ये मैंने सभी एक्रेलिक कलर से ही किया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए, और मुझे बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा वीडियो। आगे चल के मैं ऐसे वीडियो फिर से बनाऊंगी। मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ जो इतना अच्छा ड्राइंग कर सकूँ, मुझसे जितना हो पाया मैंने किया है।
दिस बॉटल बाय माईसेल्फ, मैं इसे बॉटल पेंटिंग करती हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दिस वॉज वेरी फन पार्ट। हमारी छत पे मैंने एक पिकनिक किया था, मेरी माँ और मेरी बहन तीनों ने। सो माँ यहाँ पे मटन करी बना रही थी और साथ में मेनू में था वेज दाल, उसमें कैरेट्स और वेरी पीस, कॉलीफ्लावर, ये सब सब्जियाँ डाले हुए थे। दिन बाकी का जो है वो था, बहुत छोटा सा मेनू था पर छत पर बनाया। छत वाला पिकनिक बहुत अमेजिंग होता है। सो मैंने सोचा क्यों ना इसे ब्लॉग पे डाला जाए, आगे चलकर आप ज़रूर देख सकते हो। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। एंड मेरे बाकी मेकअप के वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी ज़रूर आपको अच्छे लगेंगे आई एम श्योर। और मुझे बताइएगा ज़रूर ये वॉल पेंटिंग कैसा लगा। अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आगे चलकर और भी व्लॉग्स बनाऊँगी। सो बाय फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड, लव यू।